सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं उदर्शन ठक्कर और फ्रेंड्स यहाँ पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ होंडा CBR 150R 2020 मॉडल के बारे में, जो कि इंडिया में BS6 में लॉन्च होगी। सो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास कोई ऑफिशियल डेट नहीं है लॉन्चिंग की इंडिया में। सो अगर इन केस आप ये देख के आए हो कि यहाँ पे आपको ऑफिशियल डेट मिल जाएगी लॉन्च की इंडिया के अंदर, तो सॉरी दोस्तों यार मेरे पास है नहीं, बिकॉज होंडा ने नहीं दिया तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। बट ये जो बाइक है इंडोनेशिया में लॉन्च हुई है एंड आपको जो यहाँ पे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको काम आएगी अगर आप बाय करने की सोच रहे हो बाइक को। तो सो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों होंडा ने इस बाइक को इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया है 2020 वेरिएंट एंड ये बाइक जो है दोस्तों इंडिया में बहुत पहली आने वाली थी, यानी कि आइसमा 2018 के इवेंट में जो इसको शोकेस किया था, इनफैक्ट 2019 में भी किया और काफ़ी मोटर शो में जो है ये बाइक को शोकेस किया गया था। लेकिन सैडली जो है ये बाइक इंडिया में आई नहीं। और अगर आपको दोस्तों याद हो तो 2016 या 2017 के करीब होंडा का CBR 150R का एक मॉडल था जो कि अभी 250R जैसा है, जो इंडिया में अभी बंद हो चुका है। सो उस वक्त वो बंद हुआ था बिकॉज ऑफ BS4 नॉर्म्स। तो तब भी जो है होंडा की मतलब काफ़ी चांसेस थे कि होंडा तब उस बाइक को लॉन्च करते एंड काफ़ी न्यूज़ भी आई थी, बट जो बाइक है लॉन्च हुई नहीं। सो अभी दोस्तों फुल चांसेस है बिकॉज BS6 वेरियंट जो है होंडा के पास ऑलरेडी है, जो कि 2020 वेरियंट है जो इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है। तो पॉसिबिलिटीज काफ़ी है कि सेम वेरियंट जो है आपको इंडिया में देखने मिले। सो फ्रेंड्स अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके इंजन एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इस बाइक में आपको वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट इंजन मिलने वाला है। इस बाइक में आपको 149cc सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17.1 bhp एट 9000 rpm और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 14.1 न्यूटन मीटर्स एट 7000 rpm। एंड इसके अंदर आपको 6-speed ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको VVA टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जो आपको R15 V3 में मिलती है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज अगर मैं 150cc सेगमेंट में देखूँ तो R15 V3 के बाद में यही एक बाइक है जिसके अंदर आपको VVA टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन का सेटअप देखने को मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा बिकॉज फ्रंट में आपको जो है टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलेंगे और रियर में प्रोलिंक मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा, जो कि 5-way एडजस्टेबल रहेगा, जो कि अगेन काफ़ी यूनिक है अपने सेगमेंट में। और अब दोस्तों मैं अगर बात करूँ प्राइसिंग की, तो प्राइस जो इसका इंडोनेशिया में एज ऑफ नाउ है वो है 1,80,000 रुपीज़ और इंडियन मार्केट में ये आएगा 1,70,000 के आसपास, यानी कि 1,62,000 या फिर 1,65,000 रुपीज़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ये कन्फर्म प्राइस तो है नहीं बट अराउंड 1,60,000 के आसपास आएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो 2020 का वेरिएंट है उसके अंदर जो विंडस्क्रीन है वो थोड़ा सा और भी टॉलर मिलती है एज़ कम्पेयर टू 2019 वेरिएंट। और माइलेज की दोस्तों अगर माइलेज की बात की जाए तो 42 से 43 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। सो वो भी काफ़ी अच्छा है बिकॉज सेगमेंट में R15 V3 जो है अभी वो प्रोवाइड करती है नियर अबाउट 40 किलोमीटर पर लीटर और अब जो होंडा CBR रहेगी वो आपको मतलब अप्रोक्सीमेटली 42 के आसपास का एवरेज दे देगी। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर हो सकती है स्पेशली R15 V3 के लिए। एंड अगेन जो 150cc सेगमेंट में बाइक्स आती है विदाउट फेयरिंग वाली वो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर हो सकती है बिकॉज काफ़ी कस्टमर को जो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा वो फुल्ली डिजिटल रहेगा और जिसके अंदर सभी आपको नेसेसरी डिटेल्स तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ एडवांस फीचर्स जो है वो भी मिल जाएगा, जैसे कि डिस्टेंस टू MT, ये सब फीचर्स जो आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो यहाँ पे आपको जो है ABS मिल जाएगा फॉर सेफ्टी पर्पज़, और अब वो कंपलसरी भी है। बट अब इंडियन वेरिएंट में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है या फिर सिंगल चैनल ABS, ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज प्राइसिंग का जो टैग है वो है 1,60,000 रुपीज़ के आसपास, और ऐसे में इंडियन वेरिएंट में ड्यूअल चैनल ABS देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट वो तो जब बाइक लॉन्च होगी तभी मालूम पड़ पाएगा। और ओवरऑल बाइक दोस्तों काफ़ी अच्छी है बिकॉज फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, रियर में LED टेल लैम्प और LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं। तो बाइक ओवरऑल डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छी है एंड डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है बिकॉज फेयरिंग जो है इस बाइक की काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी सेगमेंट में बेस्ट रहने वाली है। सो बस दोस्तों अभी के लिए ये कुछ अपडेट्स है होंडा CBR 150R 2020 वेरिएंट के लिए। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको होंडा CBR 150R 2020 वेरिएंट कैसा लगता है और क्या आप इसको बाय करना पसंद करेंगे 150cc सेगमेंट के अंदर, और कमेंट्स में ज़रूर बता देना अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो। और बस दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना ताकि हम जो कनेक्टेड रह पाए। एंड मैं मिलूंगा आपको कल हमारे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर।